बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ पर आनंद व प्रेम की अनुभूति होती है, परमात्मा भी वहीं जाते हैं। घर में अगर आप लड्डू गोपाल तो ले आए, पर परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह नहीं होगा तो भगवान नहीं आएंगे। इस विषय के उद्धार गोरेश्वर महादेव रतनगढ़ में चल रही रामकथा के चौथे दिन अपने प्रवचनों के द्वारा प्रसिद्ध कथावाचक संत श्री केदार जी महाराज भिलवाड़ा के द्वारा उपस्थित श्रद्धालु भक्तों के बीच व्यक्त किए गए हैं। इस अवसर पर संत श्री ने गुरु गोविंद दोनों की महिमा बताते हुए कहा कि हमारे जीवन में सद्गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया जाता है। एक प्रसंग के दौरान संत ने उपस्थित श्रद्धालु महिलाओं से कहा कि पति एवं परमात्मा से कभी लड़ना नहीं चाहिए, वरना नरक में भी स्थान नहीं मिलता। साथ ही बताया कि बच्चों का नाम हमेशा भगवान के नाम पर रखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ के चारों बच्चों के नामकरण का प्रसंग सुनाया और सनातन धर्म की महिमा बताते हुए संत श्री ने कहा कि प्रथम संतान चाहे बालक हो या बालिका, मुंडन अवश्य रखना चाहिए। सनातन धर्म व सृष्टि की रक्षा के लिए साधु संतों द्वारा कथा की जाती है, इसलिए समय निकालकर कथा श्रवण का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। संत ने साधु संतों की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि जिस घर में साधु संतों का आवागमन होता है वह घर तीर्थ धाम बन जाता है। वहाँ पर किसी न किसी रूप में एक दिन परमात्मा का आगमन भी तय होता है। संत दास ने महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि तन मन वचन कर्म और बुद्धि से जो ईश्वर के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, वही सच्चा दास होता है।